नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भोपा रोड क्रॉसिंग पर बन रहे 224 आवासों का लॉटरी माध्यम से आवंटन कर मंत्री कपिल देव ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत गरीब बेसहारा आवासहीन लोगों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर की भोपा रोड क्रॉसिंग पर निर्मित हो रहे 224 आवासों के आवंटन की कार्रवाई मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण कार्यालय में की गई है। भोपा रोड पे एमडीए के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत पूल आवास निर्मित किए गए हैं। इसमें कुल 224 मकान निर्मित है, जिनके सापेक्ष कुल 292 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो उसमें जो दिव्यांग श्रेणी और महिला श्रेणी, उभयलिंगी श्रेणी और वरिष्ठ नागरिक श्रेणी है, इनके आरक्षण को मिला के कुल टोटल 292 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और उसी के लॉटरी के माध्यम से बहुत पारदर्शी तरीके से इनका आवंटन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक आरक्षित सूची भी तैयार की जा रही है, जिनको आवंटन नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली जाएगी कि अगर किसी कारण से किसी का आवंटन निरस्त किया जाता है तो उनको वेटिंग लिस्ट से उठा के उनको दिया जा सके। ये मार्च के अंत तक इनके मकान पूरी होने की उम्मीद है और अप्रैल में इनको शिफ्ट किया जा सकेगा।